हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। नीदरलैंड वुमेन्स वर्सेस इटली वुमेन्स के बीच में खेले जाने वाले पहले इंटरनेशनल T20 मैच के अंदर बात करेंगे। सीरीज का एक और बेहतरीन और जैकपॉट मुकाबला जो आप सभी के इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैच काफ़ी अच्छा रहने वाला है। देखो, आप स्टार्टिंग के मैचेस में ही आपको प्रॉफिट कमा पाओगे। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिनके अगर आप सिलेक्शन देखोगे तो 1% और 2% और कैप्टेंसी सिलेक्शन आपको 0% तक दिखेंगे। तो वीडियोज़ को एंड तक देखो ताकि आप पिच रिपोर्ट, बैटिंग ऑर्डर, रिसेंट फॉर्म, खास करके जो हमारे लॉजिक बेसिस पे डिफरेंशियल और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे वो सारी चीज़ें आप डिटेल्स में जान पाओ, जो आप सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा जितना कि इस मुकाबले को विन करना। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। और गाइस, सबसे पहले तो जो लोग भी अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस वगैरह रहेंगी इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले तो आपको ही मिलेगा। वैसे भी आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो वीडियोज़ को लाइक करके चैनल को भी हमारे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करेंगे सबसे पहले इनकी प्लेयर इन्फॉर्मेशन के बारे में। बात करते हैं सबसे पहले प्लेयर इन्फॉर्मेशन के बारे में। ये सीरीज़ का पहला मैच है जो कि मुकाबला 2:30 पे शेड्यूल्ड है। हम इनकी वेन्यू की बात करेंगे तो स्पोर्ट पार्क हारगर सीदम के वेन्यू पे ये मैच दिखेगा, जिसका एवरेज स्कोर यहाँ पे 130 और 150 के आसपास में आपको स्कोर बनते हुए इस वेन्यूज़ पे दिखेंगे। और जो पिच एक तरह से बैलेंसड ही है, जहाँ पे थोड़ी बहुत पेसर्स को अच्छी मदद मिली हुई है। कुछ क्लब लेवल मैचेस भी इस वेन्यू पे खेले गए जहाँ पे देखेंगे तो पेसर्स को अच्छी मदद मिल रही है। तो फास्ट बॉलर ज़्यादा हमारे टीम में रहेंगे। और अब तक आप टेलीग्राम के साथ भी नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर से जुड़ जाएँ, ताकि देखो जो भी टीम में फर्दर अपडेट्स या फिर टॉस अपडेट, बैटिंग ऑर्डर, कुछ भी अगर प्लेइंग लेवल में भी चेंजेस हो तो इसकी सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जितने लोग भी नहीं जुड़े हैं ज़रूर से जुड़ जाना। अब दोस्तों, यहाँ पे नीदरलैंड वुमेन्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। देखो, इनकी ये टीम की ओर से ज्वेलिंग दिखेंगे, जिसमें ओपन बैटिंग बॉलिंग दोनों ही कराते हुए नजर आएंगे। 51 मैचेस खेली हैं T20s के अंदर, टोटल 470 रन है, 52 विकेट्स भी थे। और रिसेंट के कुछ मैचेस भी यहाँ पे जहाँ पे 14+2 विकेट्स 1 विकेट्स, थोड़ी बहुत बैटिंग बॉलिंग दोनों से एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म जो कि है CBC वगैरह का भी बेस्ट चॉइस है। वो चांस लीग्स में इन्वेस्टमेंट करें या फिर ग्रैंड लीग्स में करें तो आप इन्हें ज़रूर इस मैच में लेकर जाएं। खास करके ग्रैंड लीग्स और मिनी जेल के 2-3 टीमों में कैप्टन वाइस कप्तान करके चलिएगा। किल्स देखोगे तो लास्ट मैचों में 11-34, इससे पहले 0-70+ स्कोर था, जहां पे 34 मैचों में टोटल 1,088 रन, टोटल 36 के एवरेज और 99 का स्ट्राइक रेट भी दिखेगा। चाहोगे तो एक बैटिंग ऑप्शंस टीम में इनको यहाँ पर पिक करके चल सकते हैं आप। दोस्तों, यहाँ पे बैटेड डिलेड उतनी इंपॉर्टेंट स्मॉलिस के लिए है नहीं। 55 मैचों में टोटल 646 रन है, 16 का ही एवरेज था। रिसेंट मैचों में 20+ स्कोर, इससे पहले 37, 6 उसके बाद 18+ स्कोर, जहाँ पे ये प्लस पॉइंट्स में विकेट कीपिंग से कैचेस के भी पॉइंट्स दे रही है। हालांकि दोस्तों, T20s के अंदर उतना इंपॉर्टेंट रह सकती है। अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग इनकी कराएंगी तो आप रिस्क लेकर जा सकते हैं। रोबिन की बात करेंगे, 55 मैचों में 701 रन है, टोटल 23 विकेट्स थे। परिसेंट के कुछ मैचों से ये बॉलिंग करा नहीं रहे, अब देखेंगे तो 0-39, 44 और 13+ स्कोर है। और मिड ऑर्डर में कभी कभार बैटिंग के लिए आती हैं, और आप रिस्क लेना होगा तो फिर इनके साथ ही जाओ। इनके साथ जाएंगे नहीं तो यहाँ पर जो हैदर सीग्रेस दिखेंगे ना, टीम के लीड करा रही हैं। आप देखोगे तो 49 मैचों में टोटल 794 रन है, 18 के एवरेज और 18 विकेट्स भी यहाँ पे दिखेंगे। रिसेंट फॉर्म 16, 11, 12, 6+ स्कोर, इन दोनों में से किसी भी एक बैटिंग के साथ आप स्मॉल लीग्स में रिस्क लेकर जा सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर क्रैलिजिन की उतनी इंपॉर्टेंट स्मॉलिस के लिए है नहीं। 6-7 नंबर इनकी बैटिंग ऑर्डर जो वो आपको दिखेगा, और रिसेंट के फॉर्म में ऑलरेडी ये फ्लॉप थी तो अभी आप इन्हें ड्रॉप करो। जहाँ बाकी यहाँ पर फ्रेडरिक की अगर हम बात करेंगे तो ये 29 मैचेस के अंदर 19 विकेट्स निकाली हुई है। तो फ्रेडरिक एज अ ग्रैंडलीस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अगर आपको रिस्क वगैरह लेना होगा तो ही आप इन्हें टीम में रखना। इनके अलावा जो यहाँ पर हन्ना की बात करेंगे तो 33 मैचेस के अंदर 15 विकेट्स मिले। रिसेंट के कुछ मैचेस है जहाँ पर 0 विकेट्स और 3-4 ओवर बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, पर पूरी तरह से फ्लॉप जा रही है। तो अभी इस मैच में हम इन्हें ड्रॉप करके ही जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर क्रोलिन डी की बात करेंगे तो ये 48 मैचेस के अंदर 40 विकेट्स निकाली हुई हैं, और इन्होंने रिसेंट फॉर्म 1 विकेट्स और इससे पहले भी 2 विकेट्स था। तो ये एक एवरेज विकेट टेकर से जो टीम में रिस्क ले सकते हैं। सिल्वर को 35 मैचों में 36 विकेट्स मिले थे, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट्स 1 विकेट्स, और ये इस टीम के मोस्ट प्रॉब्ली मेन बॉलिंग है, तो ज़रूर अपने टीम में लेकर जाएँ। बाकी जो यहाँ पर मरिल दिखेंगे ना, 15 मैचेस के अंदर सिर्फ 6 ही विकेट्स था। रिसेंट के फॉर्म विकेटलेस 1 विकेट्स दिखेंगे, तो ये पूरी तरह से फ्लॉप है। तो अभी आप इन्हें ड्रॉप करो। ओपन में आपको यहाँ पर ज्वेलिंग और ओपन डिजिक जिसमें ये ओपन बैटिंग कराते हुए दिखेंगे, ओपन बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। बाकी जो डेथ में आएंगे ज्वेलिंग हो सकती है, और यहाँ पर सिग्रेज के साथ आप जा सकते हैं। और यहाँ पर जो
लेंगे आप इनके साथ, आप डेथ में बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे तो टीम रिस्क ले सकते हैं। और बेंच में से अगर कोई भी प्लेयर यहाँ से इनके खेलते हैं तो बाकी के इन सभी प्लेयर्स के स्टैट्स वगैरह इसके अपडेट्स का इसमें आपको टेलीग्राम पे ही दे पाऊंगा। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नहीं जुड़े हो तो हमारे टेलीग्राम के साथ भी ज़रूर से जुड़ जाइएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो टैली वुमेंस की टीम है ना, देखोगे तो इनकी ही टीम की ओर से यहाँ पे आपको मैच नजर आएंगे, जिसमें 19 मैचों में 199 रन रिसेंट के फॉर्म में डक पर आउट। इससे पहले 10 प्लेस स्कोर 3 प्लेस स्कोर दिखेंगे, उतना भी इंपॉर्टेंट स्मॉलिस्ट के लिए तो नहीं है। पर यहाँ पर जो दृश्य यहाँ पर दिलाईशा है ना, 24 मैचेस के अंदर 142 रन 15 विकेट्स थे, लास्ट मैच में 5 प्लेस स्कोर। इससे पहले इनका 2 विकेट्स था विकेटलेस। थोड़ी बहुत देखो इनकी पार्ट टाइम जिसमें बॉलिंग भी है तो ओवर्स इनकी कट सकते हैं, पर जो बैटिंग है ना वो थोड़ी बहुत ठीक ठाक है। आप चाहो तो इन दोनों में से किसी भी एक प्लेयर्स के साथ जा सकते हो, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिलाईशा ही रहेंगी तो अभी आप इनके साथ ही जाओ। बाकी के यहाँ पे जो सेडलिन नजर आएंगे ना, देखोगे तो 14 मैचों में सिर्फ 84 रन था रिसेंट के फॉर्म, 4-12 इससे पहले डक पर आउट। यहाँ से ये खेलती भी हैं तो अभी हम इन्हें ड्रॉप करके ही जाएंगे। चतुरिका की बात करेंगे तो ये 20 मैचों में टोटल 357 रन, जहाँ पे 23 कैच और 17 विकेट्स थे। लास्ट मैच में फ्लॉप थी, इससे पहले 21 प्लस 2 विकेट्स उसके बाद भी फ्लॉप रही। पर खास बात तो ये है कि बॉलिंग बैटिंग दोनों कराएंगे, और आप इन्हें ग्रैंड लीग्स और मिनी जेल टीम्स में भी कैप्टन वाइस कप्तान जरूर इस मैच में करके चले। मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ी सी आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से अच्छे पॉइंट्स इस मैच में करके दे सकते हो, खासकर ग्रैंड लीग्स के कैप्टन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगी। केमंडू को भी टीम में रखेंगे, 25 मैचों में टोटल 321 रन है, जहाँ पे 21 कैच और 23 विकेट्स थे। रिसेंट फॉर्म विकेटलेस 2 विकेट्स 1 विकेट, जिसमें बॉलिंग बैटिंग दोनों ही अच्छी यहाँ पे इनके दिखेंगे तो टीम में लेकर जाओ। इनके अलावा हम यहाँ पे वर्तमान को भी साथ जा रहे हैं, टीम के लीड करा रही है, और इन्होंने 15 मैचों में 214 रन, जहाँ पे 9 विकेट्स थे। रिसेंट के फॉर्म 20 प्लस 2 विकेट्स 1 विकेट्स नजर आएंगे, तो बॉलिंग बैटिंग दोनों ही इनका अच्छा है तो टीम में आप इन्हें ज़रूर रखें। बाकी के यहाँ पर दोस्तों रगीना उतने इंपॉर्टेंट स्मॉलिस्ट के लिए तो नहीं है, 11 मैचेस के अंदर सिर्फ अभी तक 8 ही विकेट्स मिले हुए, वो भी बैटिंग से पूरी तरह से फ्लॉप है। 7 डाउन 1 डाउन बैटिंग ऑर्डर है, तो यहाँ से ये खेलती भी है तो अभी इन्हें हम ड्रॉप भी करेंगे। बाकी यहाँ पर जो तेशानी की बात करेंगे तो ये 8 मैचेस के अंदर इनको अभी तक एक भी विकेट्स मिला नहीं, और रिसेंट के फॉर्म ये ऑलरेडी फ्लॉप रहे थे। अब यहाँ पे दोस्तों श्वामिनी की बात करेंगे, देखो इनका 2 नाम है श्वामिनी, चेक करना आपको बॉलिंग ऑप्शन से नजर आएंगे। 16 मैचेस के अंदर इनको 8 विकेट्स मिले थे, रिसेंट के फॉर्म विकेटलेस 1 विकेट्स, वैसे भी ये खेलते भी हैं तो अभी आप इन्हें ड्रॉप ही करो। यहाँ पर सीमा भी है, तो 11 मैचेस के अंदर सिर्फ 7 ही विकेट्स मिले, रिसेंट फॉर्म विकेटलेस 1 विकेट्स। आप इन दोनों में से किसी भी एक बॉलिंग के साथ जा सकते हैं, और अंशुआ को ग्रैंड लीग्स वगैरह में रखना चाहेंगे, 2 मैचेस के अंदर विकेटलेस ऑलरेडी ये फ्लॉप रही थी। ओपन बॉलिंग कराते हुए यहाँ पर वर्तमान दिखेंगे, और इनके अलावा गए यहाँ पर जो डेथ में बॉलिंग ई वर्तमान और रेगिना हो सकती हैं, जो कि अगर आप देखो तो ट्रिक भी आपको डेथ में बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, तो आप इन सब प्लेयर्स को डेथ में ट्राई कर सकते हो। और बेंच में से अगर कोई भी प्लेयर यहाँ से इनके खेलते हैं तो बाकी के इन सभी प्लेयर्स के स्टैट्स वगैरह इसके अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम पे ही दूंगा। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम के साथ हमारे जुड़ जाओ। बाकी के दोस्तों हम बात करते हैं टीम के बारे में, और गाइस देखोगे तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे माई मास्टर 11 पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब देखो आपको एक ही सजेशन बोलेंगे कि अगर आपको जीतना है इजिली तो माई मास्टर 11 पे खेले, यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं पे करना, ना विड्रॉल पे ना डिपॉजिट पे, तो पूरी तरह से टैक्स फ्री ऐप है, आपको कोई भी टैक्स चार्जेस नहीं देने। और खास बात तो ये कि जो कंपटीशन लेवल है वो यहाँ पर ना के बराबर, आप इजिली अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आप इजिली जीत पाएंगे। डेली फ्री एंट्री वगैरह आईपीएल के मैचेस में तो थे ही, और इनके अलावा आप देखोगे तो इंटरनेशनल के मैचेस के अंदर भी अवेलेबल है। तो जल्दी से जाओ, और आप यहाँ पर हमारे इनवाइट कोड FC100 यूज़ करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ का रियल कैश भी मिलेगा, जिससे किसी भी कॉन्टेस्ट में यूज़ करेंगे। डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पर FC100 आपको रेफर कोड हमारा यूज़ करना होगा ताकि आपको बेनिफिट मिल पाए। बाकी दोस्तों हम ऑलरेडी रिसर्च के बाद यहाँ पर टीम क्रिएट करके रखे थे, आपको प्रीव्यूज हम दिखा दे रहे हैं। आप चाहें तो इस टीम में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, हमने वाइस कप्तान पे पूरे रिस्क लिए हैं। एक दर टीमों में टॉस के बाद चेंजेस होंगे, जिसके अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे देंगे। विकेट कीपिंग से ऑलरेडी मैं आपको 2 ऑप्शंस बताया था, दोनों में से किसी भी एक को आप ट्राई कर सकते हो। पर जो भी हमारी फाइनल टीम होंगी इसकी अपडेट्स टेलीग्राम पे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाएँ। बाकी दोस्तों मिलते हैं मैच टाइम।